हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, जैसा कि घर में काम चल रहा है आपको पता है, और यहाँ पे हो रही है जो बिजली की फ़िटिंग होती है लेंटर डलने से पहले छत की, वो वाली फ़िटिंग हो रही है। तो हस्बैंड को फ़िटिंग वगैरह आती है बिजली की भी और पानी की, तो ये खुद ही कर रहे हैं। तो बच्चे इनके साथ करा रहे थे, इनकी हेल्प थोड़ी थोड़ी। और ये शाम का टाइम था और मैं थोड़ा बहुत अपना काम था ख़त्म करके ऊपर छत पर बैठ गई थी, फिर मैंने वीडियो बना लिए। तो ये यहाँ पर इनकी जो फ़िटिंग है वो अभी हो रही है। और जैसे एक लेंटर था डलना था, उस दिन से एक दिन लेट हो गया था, तो उस दिन फिर उन्होंने एक सीसीटीवी की और इसी में फ़िट करवा दिया, तो साथ साथ ठीक है वो भी हो गई, अदरवाइज़ बाद में तोड़ना पड़ता। तो यहाँ पे सब जो फिटिंग है वो हो गई है कंप्लीट, और छोटी मोटी जो बची हुई है उनको कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरह से फिटिंग होती है, क्योंकि मैंने कम्प्लीटली मकान पहली बार बना हुआ देखा है पूरा। मतलब छोटे थे, इतनी नॉलेज नहीं थी कैसे क्या होता है, लेकिन अब मैंने एक एक चीज़ अपनी आँखों से देखी वह किस तरह से मकान बनती है। तो यहाँ पर सभी जो फिटिंग है वो कम्प्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं पूरी। और यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ शाम की चाय। शाम की तो क्या थी, कोई आ गया था तो उसके लिए बना रहे थे, हमने तो पी ली थी, फिर मैंने दोबारा से बना ली। और चाय तो यहाँ पर बनती ही रहती है, आपको पता है जिस घर में काम चल रहा होता है उसमें मतलब हर घंटे के साथ चाय बनती है ना। और ये तो चाय बन रही है, तो आप भी पी लीजिए। और मैं आपके साथ अपनी छोटी सी वीडियो शेयर कर रही हूँ और वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल थक गई हूँ मैं। क्योंकि ऐसा होता है घर में काम होता है तो थक जाते हैं बिल्कुल भी। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे फादर इन लॉ हैं, उनको चोट लगी हुई है, तो इधर उधर से जैसे पता लगता है तो लोग आते भी है। तो यहाँ पे आज आए हुए हैं मेरे ताऊ जी और ताऊ जी का लड़का, तो वो आए हुए हैं। और विनीत उनके साथ जाने की जिद कर रहा है, क्योंकि डोली पहले गई हुई है और ये बोल रहा है मैं भी जाऊँगा, लेकिन इसकी भुआ जी का लड़का आया, फिर मना किया। मैंने कहा भाई इसका मन नहीं लगेगा, फिर ये रुक गए, लेकिन इसने काफ़ी ज़िद की। और यहाँ पर ये मेरे ताऊ जी हैं बड़े वाले सेकेंड नंबर के। और जैसे ही ये गए थे ना, फिर मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया जैसे मैं इनको बाहर छोड़ने आई, तो मौसम अच्छा हो गया था। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और जैसा कि लेंटर डलना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक पॉलीथीन होती है वो मंगा ली है, क्योंकि नहीं पता बारिश का टाइम है, मानसून आ गई है तो कब बारिश आ जाए, तो इसलिए पहले ही हमने ये मंगा के रख लिया। यूज़ होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ रखी रहेगी। और यहाँ पे बस शाम के टाइम, फिर काफ़ी दिन हो गए थे कढ़ी नहीं खाई थी, तो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। और ये पैकेट की जो लस्सी आती है ना, उसकी कढ़ी है, इतनी मतलब टेस्टी नहीं बनी है क्योंकि खट्टी नहीं थी, लेकिन बना ली थी राइस के साथ, फिर भी ठीक लगी। और यहाँ पे फिर मैं आपको सुबह का थोड़ा सा नज़ारा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ये काम है, वो थोड़ा सा बच गया था। और वो होता है ना कि भाई एग्ज़ाम कई बार ऐसे होते हैं, हमारा एग्ज़ाम कल का है, अगर एक दिन और लेट हो जाता है तो फिर हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं, तो इस तरीके से वही चीज़ है। फिर दोबारा से इन पाइप वगैरह को बांधने लग गए। और यहाँ पे आपको एक डॉग दिखाई दे रहा है, तो ये डॉग है, ये हमारे पूरे मोहल्ले का डॉग है, और मतलब मेरे जो हस्बैंड है उनसे ज़्यादा मतलब इसका वो है कि भाई बहुत अच्छे से खेलते हैं एक दूसरे के साथ, इनको भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये जब भी काम करते हैं ना, तो इनके साथ साथ घूमता रहता है, तो जैसे फिटिंग करे थे देखो आप, उनके पास बिल्कुल आके बैठ जाता है, कभी कभी जैसे बाइक पे आएंगे तो बाइक पे बैठ जाएगा, मतलब इतने अच्छे से रहता है ये, और अच्छा डॉग है। और यहाँ पे बस वही हो रहा था, तो मैं भी ऊपर आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब जैसे नई छत डल रही है ना इसकी, सेटरिंग हो गई है, तो यहाँ से जो नीम है वो नज़दीक पड़ता है, तो ये निमोलिया लगी हुई थी, तो बहुत दिनों के बाद मैं निमोलिया खा रही हूँ, पता नहीं कितने साल हो गए। तो एक दो पक गई थी, बाकी कच्ची है ज़्यादातर, लेकिन कुछ कुछ पकी हुई भी थी, तो मैं खा रही थी। और मैं बता रही थी, फिर विनीत बोल रहे थे मम्मा ये चीज़ भी खाते हैं क्या, इसको इनको पता ही नहीं था ये चीज़ खाते हैं, क्योंकि पहले हम छोटे थे ना तो बहुत खाते थे निमोलिया, पर आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है क्या निमोलिया होती है, खाने की है नहीं है। तो मैंने इसको कहा कि आप खा के देखो, पर ये सारी कच्ची तोड़ने लग गए। फिर मैंने इसको एक दी, मैंने कहा ये खा के देख अच्छी लगती है, तो मैंने दो चार निमोलिया खाई। और फिर ये अगले दिन का है जिस दिन लेंटर डलना था, तो लेबर आ गई है, तो मैंने सबसे पहले इन लोगों को चाय पिला दी थी, मैंने कहा चाय पियो उसके बाद फिर काम स्टार्ट कर लेना। तो यहाँ पे थोड़ा जो मशीन लगी हुई थी ना वो, और जिस छत पे डलना था उसका थोड़ा स्पेस है वो ज़्यादा हो गया था, तो इन लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से ये बनाया, पता नहीं मेट्रो बोल रहे थे कि मेट्रो बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे जो मसाला वगैरह है इसके थ्रू ही जाएगा जहाँ तक जहाँ डालना है। तो एक बार ये सेट करके देख रहे, तो ये लेबर है और इनके साथ दो तीन लेडीजें भी हैं, और भी काफ़ी 10-12 आदमी थे, तो कुछ लेबर है वो नीचे है मशीन के पास और कुछ ऊपर है। तो हम भी यहीं पे खड़े होकर बस इनको देख रहे हैं कि भाई किस तरह से करेंगे, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखा है ये सब सिस्टम कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे इनके साथ एक दो बच्चे भी थे, तो जिनको मैंने खाना वाना खिला के, और फिर इनको अंदर जहाँ पोर्च में वो लगा हुआ है फ़ैन, तो वहाँ पर मैंने बिठा दिया, तो मैंने कहा आप यहाँ खेल लो। तो ये रात को लेट तक काम किया था इन्होंने, और कुछ लेडीज भी थी इनके साथ, मैंने बताया अभी आपको, तो बहुत लेट काम ख़त्म हुआ था क्योंकि इनको सेटिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया, थोड़ा लंबा पड़ गया था।
तो मैं सोचा चलो मैं आपके साथ भी छोटी सी क्लिप है वो शेयर कर लेती हूँ। देखो मेहनत तो करते ही हैं, और मैंने जब देखा ना काम चल रहा था, तो ये जो लेंटर वाले लोग होते हैं इनकी ज़्यादा ही मेहनत होती है सच में। जो और लेबर होती है ना उनसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं लोग, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है। तो मेरे को लगा कि भाई इनको मतलब अच्छे खासे पैसे मिलने चाहिए। देखो ऐसी बात नहीं है, बहुत मेहनत है, बेचारे सच में बहुत मेहनत करते हैं। और इनके साथ दो तीन तो छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी काम करने की उम्र भी नहीं थी, और यहाँ पर लड्डू मंगा लिए थे मैंने। जैसे कि हमारे यहाँ पे लेंटर वगैरह डलते हैं ना, तो पहले मशीन पे और जो पहला जो मसाला बन के आता है वहाँ पे थोड़ा सा भोग टाइप का लगाया जाता है, तो पहले मैंने अपने मंदिर में लगा दिया था, उसके बाद यहाँ पे लग दिया। और जो बाकी के लेबर वगैरह जितने भी लगे हुए थे मैंने इनको सबको बांट दिया था, बच्चों वगैरह को सबको। तो यहाँ पे मेरा भाई भी आया हुआ था और ताऊ जी का लड़का भी, तो दोनों भाई यहीं पे थे। तो मैंने सोचा भाई ठीक टाइम पे आए हो तुम भी। तो फिर होता है कि घर के कोई बंदे होते हैं ना तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, थोड़ा एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए काम करते करते मतलब रात हो गई थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर मेरा जो ट्राईपोर्ट रखा था उसमें लाइट लगानी पड़ी, क्योंकि उधर भी लाइट लगा रखी थी, एक लाइट की ज़रूरत इधर भी थी, तो इधर तो अभी कनेक्शन है नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे कर देती हूँ बंद, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी वीडियो है मुझे पता है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी एडजस्ट कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।